नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुदीना जलजीरा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिया है 400 ग्राम शक्कर, ये डाल देते हैं। और इसमें जाएगा इससे आधा पानी। इसे अच्छी तरह से उबलने देना है। शक्कर मेल्ट नहीं होती है तब तक हमें राह देखनी है। शक्कर को अच्छी तरह से पिघलने देना है। और शक्कर पिघलने के बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना, कसा हुआ अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक, एक नींबू का रस। चीनी अच्छी तरह से पिघल चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं पुदीना। पुदीना को मिक्सी में से भी नहीं निकालना है और उसको छुरी से कट भी नहीं करना है क्योंकि वो काला हो जाता है। तो हम ऐसे ही पत्ते जो है हाथ से तोड़ के उसको डाल देंगे। 1 कप पुदीना लिया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें डालते हैं हम, अब इसमें जाएगा 1 नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और 1 टीस्पून सेंधव नमक। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर डाल देते हैं, हरा कलर 1/4 टीस्पून। ये हो चुका है, मैंने इसे कॉन्सेंट्रेट बनाया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे स्ट्रेन कर देते हैं। बढ़िया स्मेल आ रहा है। मैंने ये कॉन्सेंट्रेट बनाया है, अब हम शरबत बना लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 10 मिनट के लिए राह देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जलजीरा का कॉन्सेंट्रेट ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हम बर्फ डाल देते हैं इसमें। अब इसमें जाएंगे पुदीना के पत्ते और कॉन्सेंट्रेट 2 टेबलस्पून। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। और डेकोरेशन के लिए हम छोटा सा अम्ब्रेला है वो रख देते हैं। पुदीना जलजीरा तैयार है, आप इसे बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए और हमारे टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।